थोड़ा एक दो मिनट सुन लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर के द्वारा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर, और यूं बोल सकते हैं कि सॉलिड कंडक्टर, ये तीनों क्या है, सेम चीज है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी स्फीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो या स्फीयर दिया हुआ है, चार्ज स्फीयर दिया हुआ, इधर क्या होगा, हॉलो होगा, सॉलिड होगा, कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड कुछ अलग होता है, इनसाइड क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। देखना एक बार, साउंड देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लास्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हमेशा याद रखना कि जब भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी होगा तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होगा चार्ज बॉडी के अंदर और चार्ज बॉडी के बाहर क्या होगा, अलग अलग होता है। जैसे हमने सॉलिड स्फीयर के केस में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड आउटसाइड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अंदर जो है वो लीनियरली क्या है, इंक्रीज करता है, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है, और आउटसाइड क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। दूसरी बात हमने है, ये हमने कंसीडर किया था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो था पिछले क्लास में हमने सेम माना था, कांस्टेंट माना था। बाद में हमने देखा था, आई थिंक एक न्यूमेरिकल भी मैंने बताया था कि यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और यहाँ ये भी लिख सकते हो बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर भी आप ऐड कर सकते हो, स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, और इसको हम बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर भी। ये तीनों क्या होगा, सेम सिचुएशन होगा। मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो, कंडक्टर किसी भी शेप का है, डज नॉट मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द क्या होगा, कंडक्टर, आइदर यूनिफॉर्मली और क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली, डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द क्या होगा, सरफेस, ठीक है। तो अब इसको हम आगे प्रूव करेंगे, लेकिन अभी याद रखना है कि क्या होगा कि कंडक्टर यदि दिया हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उस पर आप चार्ज रखोगे तो टोटल चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे रिसाइड हो जाता है, सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज बिकम जीरो, ठीक है। तो जब भी मैं कंडक्टिंग शेल बोलूँ या हॉलो स्फीयर बोलूँ या सिंपल स्फेरिकल शेल बोलूँ, इन तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, उस पर क्यू चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने यहाँ एक टर्म डिफाइन किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आप पहले भी जानते हो कि चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ स्फीयर है तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, 4πr². अब आपको ध्यान देना है कि जब भी फील्ड पूछा गया है तो फील्ड हम शेल के अंदर लिखेंगे और शेल के क्या करेंगे, बाहर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो दो केस कंसीडर कर लेते हैं, दो पॉइंट इसमें
जब भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो हमेशा आपको दो पॉइंट कंसीडर करना है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल एंड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, तो हम केस वन में लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउट साइड ऑफ, क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द शेल। ठीक है, दैट इज यहां क्या लिखेंगे, दैट इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आर। ठीक है, समझ में आई बात। देखो क्या है, यहां चार्ज स्फीयर है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज जो दिया हुआ है क्यू है, क्यू जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली है, यही इसका सेंटर है, और ये क्या है, इसका रेडियस दिया हुआ है, और पी पॉइंट पे क्या करना है आपको, कोई भी पॉइंट पी है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, आपको वहाँ फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, अवे होगा, मैं बोलूँ कि ई पी तो ई पी का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने ग्रेविटेशन में भी बताया था कि कोई भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्फेरिकल बॉडी है, तो एनी पॉइंट आउटसाइड वी कैन कंसीडर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन विच द टोटल चार्ज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स रिस्पेक्टिव सेंटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट चार्ज के द्वारा हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, पॉइंट पी हो गया। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, यही हमने क्यू रख दिया। अब तो बेटा तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड लिखोगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप तो आसानी से लिख सकते हो, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये तब होगा जब आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, आगे इसको जब हम गॉस लॉ यूज करेंगे तो हम वहाँ इसको प्रूफ भी कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पोटेंशियल एनर्जी से प्रूफ करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल रिलेशन होता है, लेकिन याद यही रखना है कि जब भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो ऑलवेज आउटसाइड के लिए, किसी भी टाइप का हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो, आउटसाइड के लिए ऑलवेज क्या होता है, पॉइंट की तरह हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा केस जो इसमें होगा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा द शेल, दैट इज आर इज लेस देन क्या होगा, आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी है। अब देखो यहां चार्ज जो है शेल के केस में क्या होगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है अंदर कुछ चार्ज नहीं होता है। अब मुझे इस पॉइंट पे पी पे क्या करना है, फील्ड का कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यही सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से, कि फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए ट्रिक लिखा था, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या था, ई एट एनी पॉइंट पी इक्वल टू क्या था, के क्यू डैश अपॉन क्या था, आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू डैश क्या है, ये आपको मालूम है चार्ज, देखो बहुत जगह ये चार्ज इनक्लोज्ड बाई द क्या होगा, बाई द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यही लिखा था बेटा।
अब अभी तुम बताओ इस केस में चार्ज क्या है, सरफेस पे है, तो स्मॉल आर रेडियस पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इस केस में क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा बेटा, आई मीन यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू डैश, क्यू डैश का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू डैश का वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब क्यू डैश का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं ई पी इक्वल टू क्या होगा, के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कब, जब आर क्या होगा, लेस देन क्या होगा, समझ में आई बात। तो फॉर यहां अब नोट में मैं लिख देता हूं एक रिजल्ट को एक जगह, फॉर, फॉर क्या होगा, फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल या चार्ज, चार्ज स्फेरिकल शेल, देखो ई पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, जब आर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाए, ठीक है, और इक्वल टू जीरो जब आर क्या हो जाए, लेस देन आर हो जाए। आई मीन शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन साइड द सेल विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो, नॉट ऑन द सर्फेस, सर्फेस पे हम देखेंगे, ठीक है, सरफेस पे। अब देखो सरफेस के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है, और सरफेस पे आप देखोगे यहाँ आर रखोगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, जीरो वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो हम बोल सकते हैं कि एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस नहीं है। आप कैलकुलस पढ़ोगे तो उसमें कंटिन्यूटी की बात होती है, ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं। आई मीन जब आर क्या है, स्मॉल कैपिटल आर से क्या है, छोटा है, स्लाइटली छोटा है, तो फील्ड सडनली जीरो हो जा रहा है, और जब क्या हो रहा है, आर स्लाइटली क्या है, बड़ा है या उससे सरफेस पे है, नियर टू द सरफेस, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू हो रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पे, नियर टू द सरफेस क्या है, कंटिन्यूअस है क्या, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना। आई मीन सिंपल पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, चार्ज स्फेरिकल शेल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है क्या, तो नहीं होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर देयर शुड बी क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो जीरो है, और आउटसाइड जो है वो क्या है, फाइनाइट कुछ वैल्यू होगा, समझ में आया। तो एक पॉइंट हम यहाँ और भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, सिंपल है, याद रखना है। सिंपल यदि पूछा जाए कि कंटिन्यूअस, तो हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस नहीं। अब अगला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस, नियर टू द सरफेस का मतलब क्या हुआ कि जस्ट यहां, समझ में आया ना, सरफेस के जस्ट क्लोज, आई मीन स्मॉल आर टेंस टू क्या है, ठीक है। अब नियर टू द सरफेस ये मत बोलना बेटा कि बाहर और अंदर, आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया ना। अंदर क्या होगा, जीरो होगा, और बाहर क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द क्या होगा, सरफेस एंड आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ क्या होगा, शेल इज गिवन एज, देखो यहां से मिलेगा एक रिजल्ट, मैं बता रहा हूं तुमको, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो ई एस मैं लिख रहा हूं, ई एस का मतलब है सरफेस,
क्या होगा के क्यू अपॉन क्या होगा फोर, आई मीन कैपिटल क्यू है क्या, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है, नहीं हमने ये क्या लिख दिया, क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है, जब आर क्या होगा कैपिटल है, यहाँ ये भी लिख सकते हो देखो क्यू अपॉन सिग्मा सॉरी क्यू अपॉन इप्सिलन जीरो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्यू अपॉन फोर पाई क्या होगा सिग्मा होगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, ये भी तुम याद रख सकते हो, कब ये याद रखना है, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस दिया हुआ है तो दिस फील्ड विल बी क्या होगा, नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द क्या होगा कंडक्टर, ऑलवेज जो होगा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन क्या होगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमने और कहीं पढ़ा था, याद आया कि कंडक्टिंग शीट है तो उस केस में कंडक्टिंग प्लेन शीट जो बहुत ही लार्ज है, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग शीट इज गिवन एज क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो याद रखना है नियर टू द सरफेस ऑलवेज जो फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अब ग्राफ कभी कभी पूछा जाता है, कभी नहीं कई बार, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। यहाँ हमने ए लिखा और इधर क्या है रेडियल डिस्टेंस आर, यहाँ हमने स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर यूज किया, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखोगे तो कुछ ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो हो गया, ये ओरिजिन हो गया आई मीन सेंटर ऑफ द क्या हो गया सेंटर ऑफ द शेल, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो और आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है सरफेस पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ हमने जो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज नॉट कंटिन्यूअस एट द सरफेस, ऐसे लिख सकते हो एट ऑन द सरफेस, ऐसे लिख सकते हो ऑन द सरफेस, आई मीन सरफेस से बाहर कुछ वैल्यू है अंदर उसका वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया। तो ई वर्सेस क्या है आर फॉर हमने किसके लिए फॉर स्फेरिकल शेल, ठीक है, क्या होगा स्फेरिकल शेल, समझ में आई बात। अब आप से ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, इसको ट्राई कर लेना बेटा, नहीं तो मैं डाउट सेशन बता दूंगा, इसका एक पार्ट और है। अब यहाँ नोट जो है इसको मैं लिख देता हूँ, हालांकि तुम ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। मैं आंसर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल कैप एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स नहीं चार्ज स्फेरिकल कैप एट इट्स सेंटर लिखो एट इट्स सेंटर, ठीक है, समझ में आया ना। और इसको हम कैप आई मीन कंडक्टिंग कंसीडर कर लो, नॉन कंडक्टिंग भी हम कर सकते हैं लेकिन कंडक्टिंग के द्वारा कंडक्टिंग के लिए केवल लिख रहा हूँ। जैसे देखो ये क्या है, ध्यान देना, ये दिस इज स्फेरिकल कैप और ये क्या होगा इसका सेंटर हो जाएगा कहीं, समझ में आई बात। अब आप ध्यान से देखना कि ये वाला जो एंगल है देखो इस पे चार्ज क्या दिया हुआ है, ऐसे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो बाई सेमेट्री आप देखोगे तो बाई सेमेट्री यही क्या होगा एल ओ एस होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं दिस इज एल ओ एस। ये वाला एंगल यदि मैं थीटा मानूं, देखो ध्यान से कौन सा एंगल मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा और तुमको हिंट्स भी देता हूँ
कि तुम क्या करना, एक रिंग कंसीडर करो और मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन तुम कैलकुलेट कर लेना मुझे क्या करना है इसके द्वारा। यही क्या है, देखो ये रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, दिस इज सेंटर सी, आपको सी पे फील्ड लिखना है। समझ में आया ना, स्फेरिकल कैप है, समझ में आया आपको क्या है, स्फेरिकल कैप है। इसके द्वारा भी आप यहां प्रूव कर सकते हो कि इनसाइड जो सेंटर पे फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, देखो ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 4 इप्सिलन 0 साइन स्क्वायर थीटा। बस ये केवल क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। क्या होगा, थीटा याद रखना है, थीटा का वैल्यू देखो, यदि हेमिस्फीयर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कंप्लीट स्फीयर होगा, कंप्लीट स्फेरिकल शेल हो जाएगा या स्फेरिकल कंडक्टर हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये बोलो कि सर कैसे आएगा, तो ये थोड़ा सा ट्राई करो तुम, इसको आर थीटा क्या है, आर आई मीन अल्फा एंगल पे, ठीक है, क्या करना, अल्फा एंगल, या इसको अल्फा ले लो सबसे अच्छा है, तो तुम अल्फा, ठीक है, या अल्फा लिख देता हूँ। थीटा एंगल पे क्या करना, डी थीटा विड्थ का क्या करना, एक रिंग कंसीडर करना और उसके द्वारा फील्ड लिखना, रिंग के द्वारा फील्ड तुमको मालूम है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे, थीटा का वैल्यू कहाँ होगा, जीरो टू अल्फा, तो तुमको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं डाउट क्लास में बता दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख सकते हो कि फॉर क्या होगा, फॉर हेमी स्फेरिकल स्फेरिकल शेल क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू, ठीक है। हेमी स्फेरिकल शेल अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। तो देखो यहाँ से पाई बाई टू होगा, ये रिजल्ट याद कर जाना हेमी स्फेरिकल शेल के लिए, तो आई मीन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, यही सेंटर हो गया। तो बाईसिमेट्री आपसे कुछ पूछे कि एलओ एस बता सकते हो, तो यही होगा, इसी के अबाउट होगा, एक्सिस हम बोल सकते हैं, एक्सिस, एक्सिस अब क्या होगा, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसी के अलोंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वैल्यू होगा, और वो वैल्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बोले कैलकुलेट क्या करना है, सर आपने तो आंसर बता दिया, चलो मैंने बता दिया लेकिन ट्राई कर लेना तुम। तो इसी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 4 इप्सिलन 0, ठीक है, क्या है, सिग्मा अपॉन 4 इप्सिलन 0। होमवर्क दे दूँ अब तुम लोगों को, चलो एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सॉलिड मैं कंसीडर कर लेता हूँ यार, हॉलो के लिए तो मैंने लिख दिया, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, इस पे चार्ज क्या है, थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस क्या दिया है, आर दिया हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग क्या होगा, जब भी कंडक्टिंग दिखे तो अंदर को चार्ज नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। इसका रेडियस तुमको दिया हुआ है क्या, आर दिया हुआ है, ठीक है, यही क्या है, सेंटर सी है। चलो हम कंसीडर कर लेते हैं, चार्ज क्या है, क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको क्या करना है, फाइंड ई सी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अभी बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। आई मीन मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डायरेक्शन देखोगे तो किधर आएगा, नीचे आएगा। यहाँ भी देखोगे तो क्या होगा, बाईसिमेट। अब इसको डिस्क कंसीडर करना, यहाँ मैंने क्या बताया था, रिंग कंसीडर करो, यहाँ क्या करना है, डिस्क कंसीडर करना है, और डिस्क कंसीडर करके तुमको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो इसको ट्राई करना, और नहीं आएगा तो हम डाउट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि ये क्या है, सॉलिड क्या है, हेमिस्फीयर है, जिस पे चार्ज क्या है, क्यू दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पे फील्ड का जो वैल्यू होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एंड व्हाट विल बी दैट वैल्यू यू विल हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको बता दूंगा. ठीक है, ये रिंग नहीं है बेटा, स्फीयर है. ठीक है, स्फेरिकल कैप लिखा हूँ, रिंग मत समझ लेना. रिंग के लिए बताया था, अलग रिजल्ट था. तो अब एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे गॉस लॉ के बाद. एक टाइप का और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, जिसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आया क्या? तो उसको जब हम उससे भी एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको हम देखेंगे, लेकिन उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे. उसको जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब अभी हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स. क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली माइकल फैराडे, उन्हीं को इसका क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही, देखो अभी तक हमने जो रिजल्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में कैसे वैरी करता है, उसको हम विजुलाइज कैसे करेंगे, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, माइकल फैराडे. उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि नहीं, इस फील्ड में या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा है या इस रीजन में कम है, उसको हम कैसे फिगर आउट करते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, बेसिकली क्या है, होता है कि रियल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज नथिंग बट द इमेजिनरी लाइन, और सिंपल क्या होगा, इमेजिनरी कर्व. समझ में आया ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स, क्या होता है इमेजिनरी लाइन होता है, और क्या होता है इमेजिनरी कर्व होता है, या स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस. जिसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है. बात समझ में आई? तो सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इमेजिनरी क्या है, कर्व है, जिसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. समझ में आई बात, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व और कर्व. ठीक है, इट मे बी स्ट्रेट और कर्व. ठीक है, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया विल गिव द इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आई बात? तो उसके बारे में हम डेफिनेशन लिखते हैं, और फिर डेफिनेशन लिखने के बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हम गॉस लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स क्या है, देखो सिंपल क्या हो सकता है, ये ध्यान रखना कि क्या है, इमेजिनरी कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. समझ में आया क्या, क्या हो सकता है? इसलिए पहले आपको क्या होगा, इट मे बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन और क्या होगा, कर्व. समझ में आया ना, तो ये क्या हो गया, कर्व हो गया. अब मान लो कि हम क्या है कि टेंजेंट यहाँ P पॉइंट पे, यदि ये Q पॉइंट है, क्या है, Q पॉइंट आपसे कोई पूछेगी ये R पॉइंट है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, टेंजेंट. तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा यही क्या होगा, टेंजेंट. ठीक है, विल गिव क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ईपी का डायरेक्शन कहाँ होगा ये आप बता सकते हो, ईपी उसी तरह यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ जो होगा क्या होगा, ईक्यू का डायरेक्शन आप बता सकते हो कि ईक्यू का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, ई आर का क्या होगा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है, ए इमेजनरी कर्व है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, इमेजनरी कर्व, ठीक है। इमेजनरी इमेजनरी कर्व, यहां क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इट्सेप क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहां देखो हम बोल सकते हैं कि ईपी नट इक्वल टू क्या है, नट इक्वल टू हम क्या बोलेंगे ईक्यू, नट इक्वल टू क्या बोलेंगे ईआर। समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी क्यू एंड आर पे क्या है, सेम नहीं है। यहां हो सकता है पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होगा, सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं ईपी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इटसेल्फ टेंजेंट होता है, टेंजेंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, सॉरी स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग अलाइन कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ईपी, हम बोल सकते हैं ईपी इक्वल टू क्या होगा ईक्यू, इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, यह बोल सकते हैं सर, बोले सर करेक्ट है क्या, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अलवेज ट्रू है क्या, ऑफकोर्स यदि क्या होगा अलवेज ही ट्रू है क्या, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ठीक है, तो अलवेज ही ट्रू होगा क्या कि क्यू और पी पॉइंट पे, तो नहीं हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये सिचुएशन क्या हो भी सकता है और क्या होगा, नहीं भी हो सकता है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ में आया ना। लेकिन टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उस पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है हम ये नहीं बोल सकते, यहाँ क्या है मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या है अलग अलग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सिंपल मैं लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और क्या होगा लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी कर्व, इमेजिनरी कर्व टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया क्या, कि पहले तो है कि टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन पे क्या होगा, जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा आई मीन किसी भी कर्व पे, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप क्या करो किसी पॉइंट पे यदि टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो
उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा तो उसे हम कैसे फिगर आउट करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया विल गिव द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आया। अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी जैसे मैं बता रहा हूं, देखो देखो मान लो कि क्या है कि फील्ड लाइंस क्या है, देखो ऐसे है कुछ, ऐसे आप समझ लो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा यही क्या है फील्ड लाइंस है। अरे वो बोलो उनको थोड़ा बंद करो, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, ये एरिया है, ठीक है, इसको मैं A1 मान लेता हूँ, यहाँ देखो दिस इज एरिया, ये एरिया क्या है A2, ये फील्ड लाइंस की क्या है परपेंडिकुलर है। तो मैं आपसे बोलूँ कि A1 और A2 क्या है, देखो पहले देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, सेम हो गया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड, या ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया, एरिया जितना ही कम होगा, कब, जब यहां हमने क्या लिखा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग A1 एंड A2 आर क्या है, समझ में आया ना, यदि ऐसे हम चेक कर लेंगे। अब आप बता सकते हो कि यदि मैं बोलूं कि नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है E1 है और यहाँ क्या है E2 है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा E2, इस रीजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर द क्लोजली फील्ड लाइन्स आर स्ट्रोंगर विल बी द क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, जितना किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोजली होगा क्लोज होगा उतना ही क्या होगा उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा, समझ में आया ना। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन। तो इसलिए ये फील्ड लाइन्स है, हमने क्या किया यहाँ एक एरिया कंसिडर किया एक एरिया, यहाँ देखोगे कि फील्ड लाइन्स क्या है क्राउडेड है, तो सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो कि क्राउडेड फील्ड लाइन्स जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा क्राउडेड फील्ड लाइन्स विल गिव क्या होगा स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम बोल सकते हैं कि वेयर द फील्ड लाइन्स आर फार अपार्ट इन दैट रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा वीकर, स्ट्रोंगर और वीकर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जिस रीजन में क्या होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा पर यूनिट एरिया उस रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ज़्यादा होगा, समझ में आया। तो ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है इमेजिनरी कर्व है, उसके किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का क्या होगा डायरेक्शन मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया विल गिव द क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, जैसा कि मैंने यहाँ आपको क्या किया बताया, समझ में आया क्या, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछा गया है तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, और लाइन ऑफ फोर्स। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं, पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू चार्ज एट
rest never form a closed loop. ठीक है, आई मीन इन इलेक्ट्रो, आई मीन हम बोल सकते हैं कि जो भी फील्ड लाइन्स चार्ज जो है रेस्ट में है उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है तो उसके वो कभी क्लोज फॉर्म, सॉरी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा. आई मीन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट नेवर फॉर्म क्लोज लूप. तो आपसे कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉसिबल है क्या, देखो ध्यान से क्या होगा, ऐसे फील्ड लाइन्स पॉसिबल हैं क्या, ऐसे समझ में आया क्या, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोई पूछे कि इस टाइप का क्लोज लूप, ये लूप फॉर्म हो रहा है, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है. तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, रीजन क्या है कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्या है रीजन, क्या है पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव नेचर में क्या होना चाहिए, वर्क डन इन क्लोज लूप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. और इस केस में आप जब इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो नहीं आएगा. समझ में आई बात. ठीक है, सिंपल ही याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप. ऐसे भी आपसे कोई पूछे कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है क्या, तो नहीं है यार. ठीक है, ठीक है, नॉट पॉसिबल. तो ये बेटा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता है. ठीक है, क्या होगा, कभी नहीं कर सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerges from positive charge and terminated at negative charge or at infinity. एट इन्फिनिटी, यदि निगेटिव चार्ज नहीं होगा, एट इन्फिनिटी. ठीक है, समझ में आया क्या कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, आई मीन हम बोल सकते हैं डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा. एंड कन्वर्ज का मतलब क्या होगा कि मिलना, कन्वर्ज एट निगेटिव चार्ज और एट इन्फिनिटी. जैसे देखो यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. अब देखो मुझे ऐसे सोचोगे, देखो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, फिर इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे होगा. तो ऐसे जब आप ज्वाइन करते जाओगे तो ये क्या होगा, लाइन बन जाएगा. हर जगह ज्वाइन करो तो देखो ये क्या होगा, ये ठीक है. इनफाइनाइट नंबर्स अब क्या होंगे, ठीक है, समझ में आया क्या, आप ड्रॉ कर सकते हैं. अब आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रिक क्या करो, स्फीयर ड्रॉ करो. देखो ध्यान से, ये कई स्फीयर ड्रॉ कर लो, ठीक है, कई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करो. इसको मैंने मान लिया S1, S2, S3, ठीक है. तो देख रहे हो ना, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, निकल रहा है. पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इमर्जेज फ्रॉम क्या होगा, क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. और ये क्या होगा, देखो ध्यान से, इस सरफेस पे अलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है, आई मीन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा. समझ में आया ना, रेडियली आउटवर्ड. अब मैं आपसे बोलूँ
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ये पॉइंट चार्ज है, आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, फील्ड लाइन से भी आप सोच सकते हो। यहाँ देखो एरिया आप ड्रॉ करोगे, इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ऑल सर्फेसिस आर सेम, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, इंटेंसिटी विल भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया। यही होगा ना, कब, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, सेम होगा। अभी मैंने बताया था और इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से बता सकते हो इस सरफेस पे हर जगह मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अफकोर्स यहाँ देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या है, ज़्यादा है, क्राउडेड फील्ड लाइन्स है। समझ में आया ना, क्या है, क्राउडेड फील्ड लाइन्स है। आई मीन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया क्या है, ज़्यादा है। यदि मैं ये कंसिडर करूँ, देखो N1, N2 और N3, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया क्या है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया S1, N2 क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया S2, और N3 क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग S3 पर यूनिट एरिया, इस क्या है, N3 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं N1, N2, N3 क्या है, यहाँ कौन ज़्यादा होगा, तो N1 इज ग्रेटर देन, N2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, N3। तो हम बोल सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, N3। समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा क्या होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, जहाँ फील्ड लाइन दूर होंगे क्या होंगे, दूर होंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कम होगा, जैसा कि हम जानते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो कन्वर्जेंस क्या होगा, देखो ये कहाँ मिलेगा यार, इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट निगेटिव चार्ज और एट क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आया ना। तो निगेटिव चार्ज पे क्या होगा, ये टर्मिनेट भी होता है, और क्या होगा, रेडियली होगा, ये याद रखना है। पॉइंट चार्ज क्या होगा, पॉइंट चार्ज के द्वारा फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा, रेडियली। यहाँ भी बोल सकते हैं फील्ड लाइन्स आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, क्या होगा, डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। दूसरा जो हम पॉइंट यहाँ देखेंगे, तीसरा, अभी यहाँ भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कहाँ होगा, निगेटिव चार्ज। अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो कैसे बताओगे, निगेटिव चार्ज जो होता है उसके तरफ होता है, तो यहाँ क्या होगा, इधर होगा। यहाँ मैं पूछूँ तो किधर बताओगे, इधर बताओगे। यहाँ मैं पूछूँ तो आप किधर बताओगे, इधर बताओगे। तो ये ज्वाइन कर दोगे तो एक लाइन मिल जाएगा क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा, देखो ध्यान से, ये रेडियली क्या हो रहा है, कन्वर्ज होता है, कहाँ, निगेटिव चार्ज पे, ठीक है, कहाँ कन्वर्ज होता है, निगेटिव चार्ज पे क्या होता है, कन्वर्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, डाइवर्ज होता है, ठीक है। यहां भी अगेन आप देखोगे, देखो ध्यान से, हमने सरफेस डिफरेंट मैं सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्राउडेड फील्ड लाइंस का है, किस रीजन में है बेटा, यहां। तो हम बोल सकते हैं कि E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा E2 के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज़्यादा होगा E3 से, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि S1 को हम इक्वी फील्ड सर्फेस बोल सकते हैं। इक्वी फील्ड का मतलब क्या हुआ, कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। बेटा ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। आई मीन S1 सर्फेस पे लिखोगे तो ये मान लो कि इसका रेडियस R1 है, तो इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ क्या होगा, इधर, यहाँ क्या होगा, इधर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, इधर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, इधर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो हर जगह S1 सरफेस पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, अलग अलग है। इवन दो मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल टू KQ अपॉन R² है, इसलिए हम इसको इक्वी फील्ड सर्फेस नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया ना, इक्वी फील्ड सर्फेस का मतलब क्या हुआ, कि हर S1 के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए। वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देखो निगेटिव फील्ड लाइन्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स निकलता है, निगेटिव चार्ज पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है,
ठीक है। और यदि निगेटिव चार्ज नहीं, ये आपको क्या मालूम चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो एक ही जगह मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपसे अब अगला पॉइंट पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है क्या। तो मैं यहां लिखता हूं कि टू और क्या होगा, मोर देन टू फील्ड लाइन्स, या सिंपल लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म, ये क्या होगा, क्लोज लूप नहीं, नेवर क्रॉस, ऐसे लिख सकते हो, नेवर क्रॉस ईच ठीक है। ईवी कैसे, ऐसे बताओ तुम, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स, जब पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन, वहाँ भी मैंने बताया था कि दो स्ट्रीम लाइन जो होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। यदि ऐसा ये करते हैं तो क्या होगा, बता सकते हो आप लोग क्या हो सकता है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन ही, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या, इमेजनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन देगा। समझ में आई बात, ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो फील्ड लाइन्स दिए हुए हैं, देखो ध्यान से, ऐसे एक फील्ड लाइन्स ऐसे दिया हुआ है, एक फील्ड लाइन्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि यहाँ ये क्रॉस कर सकते हैं क्या, नहीं क्रॉस कर सकते हैं। समझ में आया ना, देखो यदि यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किधर होगा, इधर। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं, समझ में आया ना। तो ये नॉट पॉसिबल, यहाँ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू डिफरेंट वैल्यूज एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या, इफ दे डू सो, यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू और मोर देन टू डिफरेंट वैल्यू एट द क्या होगा, सेम पॉइंट, एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। हैंस हम बोल सकते हैं, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, कभी क्रॉस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आया, हो गया। अब और का क्या पॉइंट है,
ये भी याद रखना है अगला पॉइंट कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस और टर्मिनेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस और टर्मिनेटेड इमर्जेस फ्रॉम और ऐसे लिख सकते इमर्जेस फ्रॉम और टर्मिनेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम और टर्मिनेटेड एट ए चार्ज इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां भी बोल सकते हैं कि सिंपल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और नंबर ऑफ इसको मैं एन ए लिख देता हूँ, एन ई लिखता हूँ, एन इमर्जेस, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टर्मिनेटेड एन टी लिख देता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ तुम लिख सकते, अब हम लिख सकते हैं इसको यदि मैं क्यू वन, ठीक है, अभी मत बोलना कि एन ए इक्वल टू, हो सकता है एन वन एन टू क्यू वन क्यू टू लिख दें, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एन ए अपॉन सॉरी एन ई अपॉन क्या होगा एन टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन अपॉन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तुम देखना प्रीवियस, एक चार्ज है मान लो कि ये प्लस 12 कूलम का चार्ज है, यहाँ से फील्ड लाइन्स है ऐसे, यहाँ माइनस 6 कूलम का चार्ज रखा गया है, माइक्रो कूलम लिख लो। अब यहाँ देखो कुछ फील्ड लाइन्स टर्मिनेट हो रहा है, या सिंपल मैं ऐसे बताता हूँ, चलो इसको मैंने Q1 मान लिया और इसको मैंने Q2 लिख दिया, ठीक है, समझ में आया ना, देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो आपसे कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 कैसे होगा क्या होगा, तो आप बता सकते हो, एग्जांपल देख लो बेटा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, आपको ये मालूम है कि पॉजिटिव जहाँ कन्वर्ज होगा वो चार्ज का नेचर क्या होगा निगेटिव होगा, और जहाँ से फील्ड लाइंस क्या होगा निकलेगा उस चार्ज का नेचर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, अब देखो Q1 क्या है कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द Q1, तो कितने फील्ड लाइंस है बेटा काउंट करो, 3, 3, 6 और क्या होगा 2, 8 हो गया, समझ में आया, तो 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कन्वर्ज कितना हो रहा है 3 और ये क्या हो जाएगा 4, 7, समझ में आई बात, तो यहाँ से आप बता सकते हो, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q2,
समझ में आया क्या? ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? कि किसी भी चार्ज से जितने फील्ड लाइंस निकलते हैं और किसी चार्ज पे जितने फील्ड लाइन टर्मिनेट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेगा और उतना ही उस पर क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। समझ में आया ना? तो यही मेरा ये मानना था कि इस स्टेटमेंट का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम और टर्मिनेटेड एट ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इटसेल्फ। समझ में आया ना? तो यहाँ मैंने ये लिखा और फिर इस पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखना IIT में आया हुआ भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? समझ में आई बात? उसके बाद अब अगला जो पॉइंट है याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस और टर्मिनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर नॉर्मली, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्जेज और टर्मिनेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर नॉर्मली। आई मीन कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, मैं यहाँ अभी स्फेरिकल शेप कंसिडर कर ले रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि देखो ये क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या है, यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है? तो यहाँ यही सेंटर है, तो अलवेज याद रखना है कि सर यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इमर्ज कर रहा है। समझ में आया ना? तो रेडियली क्या होगा बेटा, सरफेस पे अलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, इमर्ज करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अंदर कंडक्टर के अंदर कभी भी फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो ये ध्यान देना है आप, अलवेज सेंटर से क्या होना चाहिए, सभी फील्ड लाइन्स को क्या होना चाहिए, पास होते हुए, ये सब हटा देना चाहिए अपने, क्योंकि अंदर इनकी जरूरत नहीं है। डॉट लाइन, डॉटेड का मतलब क्या हुआ कि अंदर एग्जिस्ट नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या है, कंडक्टर है, तो अलवेज क्या होगा, सरफेस से क्या होगा, नॉर्मली आई मीन परपेंडिकुलरली क्या होगा, इमर्ज होगा, और परपेंडिकुलरली ही क्या होगा, टर्मिनेट होगा। कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, समझ में आया ना? कोई भी फील्ड लाइन्स कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यार कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है, तो फील्ड लाइन्स कहाँ से आएगा, ठीक है? यदि यहाँ आप निगेटिव चार्ज देख लो, कंडक्टर यहाँ क्या है, निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो अगेन यहां आप देखोगे ठीक है, यहां देखो ये टर्मिनेट हो रहा है फील्ड लाइंस, ठीक है? यही सेंटर है, ये हमने हटा दिया नेगेटिव पार्ट। याद रखना कंडक्टर के अंदर कभी फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, ठीक है? देखो ये नॉर्मली क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है,
नॉर्मली क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। समझ में आया क्या, क्या होगा नॉर्मली? तो यहां क्या हो रहा है, एक कंडक्टर है देखो, तो यहां नोट में लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पासिस थ्रू, क्या होगा, थ्रू कंडक्टर। समझ में आया ना, कंडक्टर से कभी पास नहीं कर सकता है, और उसके सरफेस पे अलवेज क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, क्या होगा उसके सरफेस पे अलवेज क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, आइदर क्या होगा, कन्वर्ज होगा और क्या होगा, डाइवर्ज होगा। समझ में आई बात कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलवेज टेक प्लेस नॉर्मल टू द क्या होगा, सरफेस। सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है, कैसे, किसके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है। तो मैंने ये लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस पासिस थ्रू द क्या होगा, कंडक्टर। क्या होगा, नेवर पासिस थ्रू कंडक्टर, यहाँ अपीयर होगा और इधर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल देख लो, ये भी आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो बेटा एक एग्जाम्पल, कोई एक कंडक्टर दिया हुआ है, ये कंडक्टर है, यही क्या है इसका सेंटर है, ठीक है। अब एक फील्ड लाइन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये वन है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा